नमस्कार, बिहार आवर में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आई खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में 572 ड्राफ्ट्समैन और सुपरवाइजर की भर्ती के लिए आवेदन। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में ड्राफ्ट्समैन और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च 2021 से प्रारंभ की गई थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 17 मई 2021 की है। अब आखिरी तारीख समाप्त होने के 1 ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को अब बिना विलंब किए अप्लाई कर देना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mes.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट सर्विस ने GDS के पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट से मांगे आवेदन। 24 और 28 पदों के लिए इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बंपर भर्ती निकाले। इंडिया पोस्ट के महाराष्ट्र पोस्ट और सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस इवेंट ड्राइव के जरिए कुल 24 और 28 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स ऐप पोस्ट इन के जरिए 26 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में फिर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। भागलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में फिर से ऑनलाइन कक्षा लगेगी। अगले हफ्ता के 19 से 20 मई से शुरू हो जाएगी। इस बार ऑनलाइन पढ़ाई में पीछे छूटे सिलेबस की भी पढ़ाई की जाएगी। पिछले कक्षाओं की पढ़ाई भी इसके लिए चलाई जाएगी ताकि पिछली कक्षा की पढ़ाई के बच्चों को आराम से समझ आ जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले में आई गिरावट, रिकवरी रेट भी बढ़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण के 3,11,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज हुए। वहीं 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। गौरतलब यह है कि पिछले कई दिनों में संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। शनिवार को नए मामले में कमी देखने को मिली। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में संक्रमण के 3,11,170 नए मामले आए हैं और 4,077 लोगों की मौत हुई। सरकार ने कसी कमर शहरी और ग्रामीण इलाकों में वायरस की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी। बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने अब कमर कस ली। केंद्र सरकार की ओर से आज शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय करना शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए SOP जारी किए हैं। इससे कोरोना महामारी को लेकर अन्य उपायों के बीच ग्रामीण स्तर पर कोविड के प्रबंधन के बीच स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निगरानी, स्क्रीनिंग, घर और समुदाय आधारित क्वारंटाइन और योजना पर ध्यान देने को केंद्रित कहा गया है। बिहार में 24 घंटे में 7,334 नए मामले। बिहार में कोरोना की हार हो रही। हर दिन नए संक्रमितों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या अधिक हो रही है। मई के 15 दिनों तो ऐसा हुआ कि इस दौरान कुल 1,14,698 नए मामले आए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,96,429 रही। 24 घंटे में रिकॉर्ड टूट गया। नए मामले से दुगना संख्या ठीक होने वालों की संख्या। 15 मई को 7,336 नए मामले आए, जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या 14,340 रही। कोरोना से बीजेपी के पूर्व सांसद की मौत। कोरोना से बीजेपी के एक और कदावर नेता की जान चले गए। पूर्व सांसद व दानापुर के नेता विजय सिंह यादव ने रविवार सुबह दम तोड़ दिए। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। दानापुर के एक नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती कराया गया था। रविवार सुबह कोरोना से जंग हार गए। पिछले साल उनके छोटे भाई राजकिशोर यादव को भी कोरोना से मौत हो गई थी। बीजेपी नेता विजय सिंह यादव के निधन के बाद दानापुर में कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर। बिहार में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति। मरीज को इलाज देने में नाकाम रहने वाले निजी अस्पताल मौलिक अधिकार हनन के जिम्मेदार होंगे। बिहार में कोरोना महामारी और उससे निपटने पर सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी जरूरतमंद को समय पर ट्रीटमेंट देने में प्राइवेट अस्पताल नाकाम होती है तो उससे भी लोगों के मौलिक अधिकार पर हनन होगा। मुख्य न्यायाधीश संजय कोरल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य जनहित मामलों की सुनवाई के दौरान कहा। सीनियर एडवोकेट एवं भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यदर्शी संजय का कहना है कि हाई कोर्ट का निर्देश सिर्फ कोविड ट्रीटमेंट करने वालों और निजी अस्पताल पर लागू होगा, जो सरकार के मेडिकल प्रोटोकॉल परेक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण या सरकारी मदद के लिए कोविड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शराब तस्कर JDU नेता गिरफ्तार। बिहार में भले शराबबंदी हो लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता ही इसमें वसीला रहे। ताजा मामला झारखंड का है लेकिन इसके तार बिहार से जुड़े हैं। वह भी सत्तारूढ़ दल JDU से। शनिवार को पलामो पुलिस के स्ट्रिप के तस्करी मामले में बिहार JDU के प्रदेश महासचिव विजय सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया। झारखंड पुलिस के मुताबिक छापेमारी के समय विजय सिंह पटेल भागने में सफल रहा था, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया। 4 तस्करों से पूछताछ के आधार पर नगर निगम इलाके से विजय सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया। वह बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उस पर भोजपुर जिला समेत कुल और जिलों में शराब तस्करी के मामले दर्ज है। आज भोजपुर पुलिस उसको पुराने मामले में ले जाने के लिए पलामू जा रही है। पटना एम्स में 20 बेड का ब्लैक फंगस वार्ड बना, 18 मरीज भर्ती।
ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना एम्स में 20 बेड का ब्लैक फंगस वार्ड खोला गया, जो सोमवार से शुरू हो गया। ब्लैक फंगस के 18 मरीज भर्ती। पटना एम्स में ब्लैक फंगस का पहला मरीज 11 मई को आया था, अब तक 18 मरीज पहुंच चुके हैं। एम्स के कोरोना विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर पटना एम्स में 20 बेड का एक वार्ड अलग से बनाया गया। सोमवार को यह चालू हो जाएगा। अब तक 2 मरीजों की सर्जरी भी की गई है। आनंद मोहन की रिहाई में एक दिन बचे पर लग सकता है 14 वक्त। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई में एक दिन बच गया है। उनकी रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान की भरमार लग गई। समर्थकों ने पोस्ट पर तुरंत रिहाई की मांग की। आनंद मोहन की सजा 17 मई को पूरी हो जाएगी, पर कोरोना की वजह से उन्हें जेल से बाहर आने में कुछ वक्त लग सकता है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर रिलीज आनंद मोहन जस्टिस फॉर आनंद मोहन जैसे एचएक्स ट्रेंड चल रहे हैं। इस पर 3 लाख से ज़्यादा पोस्ट किए गए हैं। गौरतलब हो कि आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णा सिंह हत्या उम्र कैद की सजा पर की गई थी। 2007 से जेल में है। 17 मई को 14 वर्ष की सजा पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी रिहाई की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई है। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरे की आशंका को देखते हुए पटना एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मिल गई। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल इस महीने के अंत से होगा, जो 2 वर्ष से 18 वर्ष के बीच पटना एम्स के शिशु रोग विशेषज्ञों की निगरानी में ट्रायल शुरू किया जाएगा। ट्रायल के बीच टीम गठित हो चुकी है। भारत के औद्योगिक महानियंत्रक ने ट्रायल की मंजूरी दे दी। एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की आवश्यक तैयारी की जाए। 2020 में पहली बार एम्स पटना में ही कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल पूरी तरह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की निगरानी में होगा। इसके सफल होने के बाद बच्चों को भी टीका देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार हाईकोर्ट अशोक ने संगठन से जुड़े कईयों के नाम बताए। साहिबगंज के बल्थी इलाके से विशेष पुलिस टीम के हत्थे छोड़ हाईकोर्ट नक्सली अशोक राम पश्चिमी क्षेत्र के मुख्य भूमिका निभा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए जगह बदल बदल कर वो रह रहा था, मगर विशेष टीम को उसके ठिकाने की जानकारी मिलती रही। इसकी सूचना पर शनिवार को उसे साहिबगंज इलाके से दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने संगठन से जुड़े कई नक्सलियों के नाम भी बताए, जो उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में सक्रिय है। उनके द्वारा लेवी मांगने और राशि नहीं देने पर विध्वंस घटना को अंजाम दिया जाता था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि संगठन को मजबूत करने के लिए अशोक के द्वारा नए नए लड़कों को बिछोड़ने का काम किया जा रहा था। पटना में पुलिस पर हमला, राइफल छीनी, एक सिपाही का सिर फटा। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि कई इलाकों में लोग ना तो लोग अग्रह मानने को तैयार, ना ही पुलिस के डंडे से डरने को। मिली जानकारी के अनुसार शाहरुख थाना क्षेत्र के मालपुर गाँव में एक शादी समारोह में नाच गाने का पूरा इंतजाम किया गया था। गाँव में आई एक बारात में नाच कार्यक्रम देखने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसकी सूचना थाने को मिली तो पुलिस ने एक टीम को मजमा हटाने के लिए भेजा था। हालांकि गांव में पहुंची टीम को देर रात अंधेरों से आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और पुलिस वाले मुश्किल से अपने जान को बचाकर भाग पाए। पटना में मिठाई दुकान में चोरी की रुपए के साथ धरा गया चूहा। पटना में चोरी करते रंगे हाथ चूहा धरा गया। वे वो चूहा नहीं है जो आप समझ रहे। दरअसल बाईपास थाना क्षेत्र के मर्चा मर्ची रोड से मिठाई दुकान में कर्मी लक्ष्मण कुमार और चूहा को 3,000 रुपये के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी चोर को जेल भेज दिया। आरोपी का नाम चूहा होने से पुलिस से लोग सवाल पर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। पकड़ाए युवक ने बताया कि वह मालसलामी थाना क्षेत्र के भट्टी के रहने वाले लक्ष्मण कुमार उर्फ चूहा है। सूचना पाकर पुलिस पहुंची पर पहुंची और आरोपी चोर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पूछताछ के बाद उसे शनिवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। पूर्वी चंपारण मास्क चेकिंग अभियान में वसूले गए अब तक 41 लाख रुपए। पुलिस समेत कई अधिकारी सड़कों पर उतर कर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने में लगे हुए हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं करने वालों लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। जिले में मास्क इन्फॉर्मेंस के तहत लगभग 41 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने बताया कि मास्क इन्फॉर्मेंस के तहत जिला में कुल 41 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। SP के अनुसार लॉकडाउन इन्फॉर्मेंस के तहत 20 दुकानों को सील कर दिया गया। बताया जाता है कि आपदा प्रबंधक अधिनियम उल्लंघन के आरोप में 37 प्राथमिकियां दर्ज की गई और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और भीषण हुआ चक्रवर्ती तूफान, आज गुजरात की तट से टकराया ताउते। दक्षिण पूर्वी सरग से उठे चक्रवर्ती तूफान ताउते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसके चक्रवात तूफान ताउते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्यों
केंद्र शासित प्रदेशों मंत्रालयों की तरफ से की गई तैयारी को लेकर चर्चा की गई। मौसम विभाग के मुताबिक यह गुजरात के विराला पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही कि महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर भी 3 दिनों तक यह चक्रवर्ती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार तूफान के दौरान 150-160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ईमेल व डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे। रजिस्टर डाक का देना होगा शुल्क। कोरोना काल में मरने वालों के शहरी निकायों से मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आवेदन करने वालों को संबंधित निकाय दफ्तर नहीं आना होगा। प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी उनके ईमेल पर भेजी जाएगी। लोगों को रजिस्टर डाक से भी प्रमाण पत्र मांगने का विकल्प मिलेगा। विषम परिस्थिति के लिए लोगों को प्रमाण पत्र लेने निकाय कार्यालय जाना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर आयुक्तों को और कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि ईमेल और रजिस्टर डाक से आवेदन करने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई। आदेश सिर्फ कोरोना से होने वाली मौतों के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के सभी मामलों के लिए यह व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में दूसरे डोज का टीका नहीं मिलने पर लोगों का हंगामा। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर शनिवार को दूसरे डोज पर कोरोना टीका लगाने आए बुजुर्गों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा। जी हां, ऐसे लेकर नाराज 30 से अधिक बुजुर्गों ने हंगामा किया, कुर्सियां तोड़ दी। पहला डोज लेने के बाद बुजुर्गों को 15 मई को दूसरे दिन का टीका लेने के स्वास्थ्य विभाग ने मैसेज भेजा था। जब वह केंद्र पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अब दूसरे डोज का टीका 45 दिनों के बाद दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन पवन कुमार कर ने बताया कि 50 बुजुर्ग दूसरे डोज का टीका लेने के लिए 42 दिनों के बाद सदर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लौटा दिया गया। कहा भी टीके कम एक हफ्ते बाद बुलाया जाएगा। सिवान में 24 घंटे में 7 समय दूसरी लहर में अब तक 233 संक्रमितों की मौत। कोविड केयर सेंटरों में इलाज की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से जान गंवा रहे लोग। जिला परिषद अध्यक्ष की मां ने भी दम तोड़ा, 10 दिन से चल रहा था इलाज। जिले में कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शनिवार को भी 7 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। जिले में अब तक 233 लोगों ने कोरोना की जंग में अपने हथियार डाल दिए। यह तो सरकारी आंकड़े, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगहों से कोरोना के कारण लोगों की मौत सूचनाएं मिलती रह रही है। इनकी पुष्टि सरकारी स्तर से नहीं की गई, जबकि संक्रमितों की संख्या 10,869 के पास पहुंच गई है। कार से शराब तस्करी करते 2 गिरफ्तार। लॉकडाउन सख्ती के दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है एक तस्कर हाजीपुर से अवैध शराब तस्करी कर पटना ले जा रहे थे। जिस गाड़ी से वे शराब की तस्करी लेकर आए थे उस पर COVID-19 आपातकालीन सेवा का परिचय भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बार का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 15 टन ऑफिसर चॉइस शराब बरामद किए गए। गिरफ्तार कार ड्राइवर नालंदा निवासी मोहन कुमार और तस्कर जितन मांझी से पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन में विदेशी व देसी शराब के ठेके बंद होने के बावजूद शराब तस्करी चालू, इतना ही नहीं शराब की होम डिलीवरी भी तक चालू। झारखंड में कोरोना संक्रमण। कोरोना महामारी से जूझ रहे झारखंड के लिए सुखद संदेश है। यह नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा कम हुआ तो ठीक होने वालों की ज़्यादा। पिछले घंटे में राज्य में विभिन्न जिलों से 3,197 नए संक्रमित पहचान की गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 6,762 रही। वहीं 65 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में 28 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 8,095 मरीज मिले थे। इसके बाद मई के पहले हफ्ते से औसतन 6,000 मरीज मिले। हालांकि 7 मई के बाद नए मरीजों की संख्या नियंत्रण घट रही है और ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। बिहार में इस दिन पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी। कोरोना संकट के बीच बिहार में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। लोगों को लगातार बारिश का इंतजार रहा है। इस बीच सुबह में मानसून की दस्तक कब होगी इसका इंतजार सभी को है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में 31 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुँचने की संभावना है। वहीं बिहार में 15 से 18 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकती है। इस बात का दावा पटना के मौसम विशेषज्ञों ने किया। इस दौरान तेज हवा के साथ साथ बारिश से भी लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि तब तक सुबह में पारा चढ़ने की उम्मीद है। साथ ही फ्री मानसून में गरज के साथ बौछारें भी बढ़ सकती है। साइबर अपराधियों की नई चाल, दरभंगा में आयकर अधिकारी बन व्यवसायियों से मांग रहे हैं रुपए। लॉकडाउन में साइबर अपराधियों को आयकर अधिकारी बनकर व्यवसायियों को चूना लगाने में लगे हैं। शनिवार को साइबर अपराधियों ने प्रमंडलीय वाणिज्य व उद्योग परिषद के अध्यक्ष के साथ रुपए ठगने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि बातचीत के बाद इस समझ आ गया कि सामने वाला अधिकारी नहीं बल्कि ठग है। इसके बाद इसकी शिकायत SSP से की गई। घटना के स्तंभ में चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार और एक और प्रधान सचिव सुशील जैन ने बताया कि
9546969612 नंबर से फोन करने वाले अपने नाम अरबी मिश्रा बताया। कहा वे मुख्य आयकर आयुक्त है। मधुमेह के मरीज शुगर कंट्रोल करने के लिए जरूर खाएगी गौज। कुंजू की लता उच्च कटिबी देशों में पाई जाती है, इसे कुंजू भी कहा जाता है। यह एक लता है जिसमें कुंजू फलता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है। सब्जी देश में सभी हिस्से में पाई जाती है। इसके सेवन में न केवल वजन कम होता बल्कि मधुमेह पथरी में भी फायदा मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुंजू में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके चलते डॉक्टर्स मोटापे के लिए लोगों को इसके सेवन की सलाह देते हैं। और अगर मधुमेह के मरीज है और अगर शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने डाइट में कुंजू को ज़रूर शामिल करें। इसके सेवन से शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। आज का सवाल, क्या बिहार की चिकित्सा व्यवस्था अनियंत्रित है कोरोना काल में? तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ बिहार आवर में। धन्यवाद।